ये छोटे छोटे टिप्स इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो आसान, बिकॉज आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट इनटू द वास्तु, तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है। कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम, और देन यू टेल मी, आप अपने आप डायरेक्शन आपको समझ आई गई है, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स होता है, मैंने आपको जितना आपको बेनिफिट होगा। नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क, आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। एक मैंने ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दी है, क्योंकि वास्तु तो बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वन और टू आवर्स ओनली, है ना, इट टेक्स टाइम, बहुत सारी अनटच्ड चीजें हैं जो हमने अभी टच ही नहीं कर दिए, इतने आश्चर्य है कि आप जब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है, ऐसा भी होता है, फिर आप अपने घर की चीजों को देखना शुरू करते हो, अरे ये यहाँ ऐसा है, ये वहाँ ऐसा है, तो आपको समझ आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, है ना, बट वो हम बाद में कभी करेंगे। आपका नंबर दे सकते हैं, आप इनको कुछ रहेगा तो पूछ लेंगे। हाँ यू कैन टेक माय नंबर 98। सर जो आए थे यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, वो वास्तु विजिट की लोनावला में ना सर, लोनावला में थी, पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मिला, 16 साल हो गए सर, 16 साल हम लोग ने इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, नेरुल नहीं छोटे हमारा जो फ्लैट्स होते हैं आजकल, मतलब फ्लैट सिस्टम में होते हैं, उसके अंदर में रूम होते हैं, थ्री का 2 BHK, 3 BHK, तो व्हेन वी आर सेइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस है, जैसे नॉर्थ को हमको ओपन रखना है, अगर बेडरूम है या अलग रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ कैबिनेट बना दे, तो इज दैट ओके, या शुड सी ओनली द नॉर्थ ऑफ दैट एंटायर प्लॉट? देखिए नॉर्मली तो हमें नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट देखना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट कैटलॉग तो वो भी अपने आप में सफिशियंट होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन साथ ही साथ हमें जो एक हर यूनिट को पूरा वास्तु मान के हम चेक करते हैं, हम जब किसी भी जगह का वास्तु करें तो ये ऑफिस है, अगर हम इसका वास्तु करेंगे पहले तो पूरी यूनिट का देखेंगे, फिर विल सी द सर्च चैम्बर ऑल्सो, ये चैम्बर का नॉर्थ कैसा है साउथ कैसा है, तो उसको भी देखना चाहिए as much as it is possible, so we can keep it like this. उसी हिसाब से करते हैं। तो हम जो medicines जो होते हैं कहाँ रखनी चाहिए इसका भी कुछ? हाँ medicines तो बहुत important है, बहुत medicines अगर आप सही direction में नहीं रखेंगे जीवन और medicines खत्म ही होते बढ़ जाती है, medicines becomes an integral part of the life अगर आप उसको सही direction में नहीं रखेंगे, इसलिए मैं आपको बताया ना हर चीज़ के लिए जगह होती है, हर चीज़ के लिए मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो यू कैन कीप इन नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ की तरफ अगर आप मेडिसिन रखते हो तो क्या होता है उन मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ जाती है, जो हीलिंग उनसे वो मेडिसिन खाए थे जो हीलिंग आपको 4 दिन में होती थी वो हीलिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती थी, वो हीलिंग आपको 3 या 2 दिन में हो जाती, उनके अंदर की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है, और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन को चेक करके मेडिसिन रख पाते हैं तो जैसे सपोज एक पर्सन वॉज ईटिंग हैविंग 10 टैबलेट्स पर डे तो पता लगा वो 2 या 3 टैबलेट्स पे आ गया और हील हो गया, जैसे क्योर हो गया, तो प्लेस ऑफ मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु, और उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान रखिएगा जो लोग अपने बेड से जो लोग अपने हेड साइड पे मेडिसिन रखते हैं उनकी मेडिसिन कभी खत्म।